जैन सर। जैन सर, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, तो ठीक महसूस कर रहा हूँ। सर, एसओ साहब का फोन आया था, वे पूछ रहे थे आज ज्वाइनिंग करोगे या कुछ दिन और आराम करोगे। अगर इस दरोगा के शरीर में मेरी आत्मा है तो मेरे शरीर में जरूर इसकी आत्मा होंगी। अब आएगा मजा, अब मैं आसानी से वो काम कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। क्या सोचे पड़ गए सर, मैं गाड़ी लेके आया हूँ, चलोगे या नहीं? कुछ नहीं, हाँ चल रहा हूँ, चलो चलो, मुझे एसओ साहब को जवाब देना फिर। हाँ चल रहा हूँ। हाँ जी सुनो, कैब तो भूल ही गए आप, पराठे तो खा जाते। पराठे आके देखेंगे, चलो। तेरा दिमाग खराब हो गया के? तेरे को पता ना दरोगा ने तेरी शक्ल पहले भी देख रखी। इधर उधर ही आ रहा है दरोगा। होगा, पता नहीं कैसी हरकतें करे कल से। चल। अरे के लिख रखा यू इंग्लिश में? अच्छा यू चोरों का लेखा जोखा। चल अच्छा है, हम चंडालों का फोटो तो ना इसमें। अरे अरे सुनियो भाई, कहां थे तुम दोनों? घर के कुछ काम धाम की फिक्र आया नहीं था? हमारे पड़ोसी लाला जी आए हैं, इस भाई को भैंसों की सानी छोड़कर चाय बनानी पड़ रही है। एक बात सुन ले मेरी ध्यान से, नौकरों की कमी ना आए मुझे, एक मिनट में बदल दूंगा तुझे। पिताजी कल रात से उसके पेट में दर्द हो रहा, तो डॉक्टर के दवाई दिवाने गई थी। तो कहीं जाया करो तो मुझे तो बताया करो कम से कम। ठीक है पिताजी, आगे से ध्यान रखेंगे। चल ठीक है, जाकर बर्तन साफ कर ले अंदर जा। अरे पेट के मरीज, जाकर कपड़े धो ले, वे गंदे हुए पड़े कई दिन हो गए। वैसे लाला जी हुआ तो थेरी साथ गलती, पर एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अब तुम चंडालों की नजर में चढ़ गए हो। अगर तुम आराम से पैसे दे देते हो ना तो थारी जान बच जाती, और गांव का इतिहास ये बता रहा है कि वो थारे पर हमला जरूर करेंगे दोबारा। ओ मुकेश भाई, ओ मैं तो पैसे देने को तैयार था, अरे उधर होगा ने मरवा दिया मैं तो। सर, ये रतनपाल की भैंस चोरी करता पकड़ गया। भाई चोर है तू, भैंस चोरी करता पकड़ा गया? ना जी। जो पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा जवाब दे, वरना चोरी के इल्जाम में तुझे फांसी पर लटका दूंगा। सर चोरी के केस में कभी फांसी नहीं होती। मुझे कानून बता रहा तू, दरोगा तू है कि मैं? दरोगा तो आप ही हो। हाँ तो जो नियम मैं बता रहा हूँ नियम वही चलेंगे यहाँ पे। हाँ भाई बता, क्यों नहीं चोरी करी तेने? साफ आज छोड़ दो, आज के बाद चोरी ना करूं। डरे मत तू भाई यार, मैं तुझे कोई फांसी वासी नहीं दे रहा, तू यहां को सुन। देख चोरी करना गलत बात नहीं है, लेकिन चोरी करते पकड़े जाना बहुत गलत बात है। अच्छा जी। चोरी एक कला है और चोर कलाकार होते हैं। जब तक तेरी कलाकारी ना सुधर जाना, इस कलाकारी में पाम बद दिए जी, ठीक है ना? अब तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तू पकड़ा गया तो तू जाने यार, मैं तेरा क्या करूँगा। अब आपके छोड़ दो, आइंदा चोरी करूंगा ही नहीं। चोरी करेगा क्यों ना, चोरी तू करिए पर पकड़ा मत जाइए। अच्छा जी। हाँ ठीक है, धन्यवाद दरोगा साहब। जा जा भाई, दरोगा तो मत देखे मगर ऐसा दरोगा नहीं देखा दिल को। सर
आपने इस चोर को छोड़ दिया? मैं क्या कह रहा है, चोर कहकर चोर की बेइज्जती कर रहा तू? ये तो पढ़ने लिखने वाला बालक है, छोड़ दिया अब आगे को करे तो डाल देंगे अंदर। चिंता मत कर, तू काम कर ले जा। अरे यार कहां फंस गया मैं, वे तो कोई सया है ना, चल इससे कुछ पता करता हूं। बासन मांज रही दिखे ना तुझे, मैं खाना बनाती दिखाई दे रही हूँ। अरे मैं नू कह रहा, मुकेश और कालू बाहर गए दिखे। अच्छा आज तेरे खोपड़े से नशा उतर गया दिखे। अरे नशा तो उतर गया, जिस दिन से उस दरोगा ने बेहोश कराऊ ना उस दिन से दिमाग वैसे ही रह गए। अरे एक बात बता, जिस लाला के हम चोरी करने गए वो लाला हमारे यहाँ बैठा? धीरे बोल, कोई सुन लेगा। भूल गया के जब हम इस गाँव में आए थे पिताजी ने 5 बीघा जमीन खरीदी थी, तब से वे इन गांव वालों की नजर में एक आम किसान है, और तू और कालू उनके नौकर। भूल गा के? अरे भूल ला ना हूं, वैसे तेरे से मजाक कर रहा। देख राजू, मैं तुझे पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं तुझे बहुत पसंद करूँ, और तेरी जिंदगी में कोई और लड़की है तो मुझे पहले बता दे। पागल है कि तू, तेरे अलावा कौन हो सके और? अच्छा तो उस दिन नशे में क्या मीना मीना बड़बड़ा रहा था? मैं नशे में मीना मीना बड़बड़ा रहा? और नहीं तो क्या, कौन है यू मीना? अरे याद आ गई, उस रात मैंने फिल्म देखी मीना कुमारी की, तो इस मार बड़बड़ा रहा होगा। सुन तू खाना बना ले, कालू और मुक्कू आने में होंगे। ओ ले ये बर्तन लीजिए, मैंने खा लिया खाना। खाली रोटी? हाँ खाली। देखो जीतू भी आने वाला हो रहा, बहुत थक है, उसका भी खाना लगवा दिए। ठीक है। इस दरोगा के बाप से दिमाग मारता हूँ पहले, नहीं तो यूनू सोचेगा छोरा बात ही नहीं करता मेरे से। पिताजी। हाँ बेटे। खाना खा लिया तुमने? हाँ खाना खा लिया मैंने। क्या बना रखा था? भाई सब्जी तो आज घिया छेने की दाल बनाई बहू ने, ले आ गई बहू लेके खाना तेरा। घिया छेने की दाल तो मैं खाता भी नहीं हूँ। पंजी ये क्या कह रहे हो, घिया छेने की दाल तो आपकी मनपसंद सब्जी है? जब खाऊं था अब ना खा दिया, बता तू कब से नहीं खा रहा भाई घिया छेने की दाल? बस यू मानो पिताजी आज से ही नहीं खा रहा। मैंने अखबार में आज ही पढ़ी कि यहाँ में वायरस आ रहा, उसमें 25-30 आदमी मर गए। तो भाई अखबार तो मैं भी रोज पढ़ू, मैंने तो यह बात पढ़ी नहीं अखबार में। तो तुमने कोई लोकल अखबार पढ़ा होगा, मैंने इंग्लिश के अखबार में पढ़ा। तू कहीं ना बोलो, तू एक काम कर बैंगन का भरता बना ला। बैंगन का भरता? बैंगन का भरता तो आपको कभी पसंद ही नहीं था। तो ये मान लो आज से पसंद होगा, उसे खा के इतने आदमी ठीक हो गए, कई आदमी टीबी के ठीक हो गए, कैंसर तक में भी डॉक्टर बता रहे कि बैंगन का भरता खाओ। अच्छा? हाँ जी, तो बैंगन का भरता बना ला जा। अरे कैसे दुखी कर रहा तू बहू को, बेर-बेर सब्जी बनवा के? अरे माँ जो चीज पसंद होगी वही तो खाई जाएगी। चल इतना सब्जी बना रही, इतना नहा तो ले। सुबह तो नहा गया हमें। चल नहाता ना तो हाथ मुंह तो धो ले कम से कम। हाथ मुंह कौन सा गंदे हो रहे हैं मेरे, साफ है। भगवान हो गया छोरे को, पहले तो आते ही नहा करा, अभी हाथ मुंह धोने को भी ना सुन रहा। बस तेरा लाल है, तू जाने यू जाने। पिताजी चाय। उन दोनों को उठा के मेरे पास भेज। मीना, ओ मेरी मीना, मीना कहाँ है तू? ओ मीना कुमारी के भगत, बाहर को चल, पिताजी बुला रहे हैं। ओ कालू तू भी चल।
क्या हो यार मुक्कू? अरे हो गया कुछ ना, आज रात लाला के घर जाना है और जो काम हमारा अधूरा रह गया था ना वो पूरा करना है आज, समझ गए दोनों? और तू नहा भी लिया कर, क्या हाल बना रखा है तन्ना अपना? ये चांडाल इससे पहले मुझे भी इस चोरी में भागीदार बनावे, मैं चौकी में फोन करके खबर दे दूं। अरे यार, पर चौकी में तो राजू होगा, अब क्या करूं? हाँ, मैं एसएचओ साहब को फोन करता हूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो साहब, मैंने आपको इसलिए फोन किया है, आज चंडाल लाला जमुनादास के यहाँ डाका डालने जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ। जी सर, ओके। किससे बात कर रहा है? किसी से भी ना कर रहा, अंदर नेटवर्क ना आ रहे थे, हमें ढूंढ रहे हैं, नेटवर्क मिल जाए। अंदर चल, पिताजी बुला रहे हैं। चल। सर, ये जितने भी एप्लीकेशन है ये सारी सॉल्व हो चुकी है, आप इन पे साइन कर दीजिए। अभी अब तू बता, तू खड़ा हो रहा सिर्फ? सर, ये गांव के ठेकेदार की फाइल है। ठेकेदार की? दारू के ठेकेदार है क्या? अरे नहीं सर, सड़क के ठेकेदार। तो सड़क में क्या हो गया? सर, गांव वालों को आरोप है ठेकेदार काम नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ। साहब जी, भैंस चोरी करता हुआ आज फिर पकड़ा गया। मुझे लगा साले गांव वालों ने पीटा भी दिखे। हाँ साहब, पहले से तमीज से सुताई करी, उसके बाद हमें सौंपा। अरे क्या चोर बनोगे तुम, एक भैंस तुम पे नहीं चुराई जा रही, डूब के मर जाना चाहिए। सर क्या कह रहे हैं आप? वो मैं कह रहा हूँ, साले क्या चोर बनोगे तुम। साहब आज और छोड़ दो बस। छोड़ दें? अगर आज तुझे छोड़ दिया ना सर, तो पुलिस का नाम ही बदनाम कर देगा। इसे ले जाकर बंद करो और कुत्ता साले को। साला दिमाग खराब कर दिया। चोरी करनी आती नहीं, चल देते हैं चोरी करन। ऑफिसर? हाँ मैं राजू, सॉरी जितेंद्र, हाँ दरोगा जितेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। आई गोट टू नो दैट चंडाल सर प्लानिंग टू हार्म लाला जमुनादास। क्या कह रहा है अंग्रेजी में? हेलो हेलो ऑफिसर, आर यू लिसनिंग? हेलो हेलो इडियट। अरे भाई चंदन, तेरे पे अंग्रेजी में बात करनी आ रहा है? यस सर, ऑफ कोर्स। तो एक काम कर, एसओ साहब से बात कर। आपकी बात करा दूं सर? अब मेरी क्या बात कराएगा तू? मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ तेरे पे अंग्रेजी आ भी है, वैसे झूठ बोल रहा। जब बात करके बता क्या कह रही है। ठीक है सर, मैं बात करके बताता हूँ। हाँ भाई मंगलू। जी सर। जो एसओ साहब है अपने, ये लंदन रह में है क्या? क्यों सर, क्या हुआ? सारी बात अंग्रेजी में करें, तू एक काम कर, ले इसे ब्लॉक कर दे। क्यों सर? पर नौकरी यहाँ की कर रहा और भाषा बोल रहा अंग्रेजी, ब्लॉक करें ऐसे आदमी को। ले। हाँ अब तो ना आने का फोन नहीं आई। यूट्यूब क्या सर? एसओ साहब से मेरी बात हो गई है, उन्हें जानकारी मिली है, आज रात को चंडाल लाला घर पे डाका डालेंगे और हमें उनके घर पे पहरा देना है। भाई वाह, शाबाश, तेरे को सच में अंग्रेजी बोलनी आवे है? हाँ ठीक है, आज रात को हम वहीं पहरा देंगे। ठीक है ठीक।
दरोगा जी, उस दिन तो तुम्हें बेहोश करके भाज गए थे वे, पर अब ध्यान तो पकड़ियो और नहीं मेरा बुरा हाल कर देंगे वे। अब तो घर में बच्चे और बहू भी ना है और मैं अकेला हूँ। लाला क्यों दिमाग की दही कर रहा है? पिछले 3 घंटे से 20 बार यही बात कहने को आ गया। 12:30 बज रहे हैं, सो जा। मैं होता तो इस काम को अब लोग कर देता। उस काम को? चोर को पकड़ने का काम करता और क्या करता? जाओ तुम सो जाओ। अब मैं सोता जाऊंगा पर तुम बाहर ना सो जाइयो। और मैं भी तेरे आगे और तुम मुझे तो हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे। चलो मैं सो रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। हाँ सो जा तू। साहब इंगे अंगे हो क्या देख रहे हो? बे मैं देख रहा हूँ गोली किधर से आएगी। सुना है चंडालों ने सुना बड़ा तेज है, कई किलोमीटर की दूरी से ऐसी गोली मारा है, गोली सीधी निशाने पे लगती है, समझ रहा? सर सही कह रहे, मुझे तो डर सा लग रहा है। अरे सर मैंने तो आपसे पहले कहा था तुम इन चंडालों के चक्कर में मत पड़ो। इन संबंध में मुझे तू ही समझदार सा दिख है। सर डर किसी बात का है, बंदूक तुम्हारे पास भी है। इस बंदूक से तने पिछवाड़ा खुजाने के अलावा कुछ काम करा कभी? चुपचाप सीधा खड़ा रहे, समझ आ ना? पुलिस खड़ी है यहाँ तो, अब क्या करें? अरे करना क्या है, चलो उल्टे पीछे से कूदेंगे, चलो चलो। मुक्कू वहां तो पुलिस खड़ी थी। अरे हाँ मैं तो नू कह रहा हूँ, वापिस चलते हैं। मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या? पुलिस के डर से संडाल चोरी करना छोड़ देंगे? ऐसा करो लाला की जो पीछे वाली दीवार है ना वहां से कूदते हैं, चलो लेकर आए सब। देखो भाई मुझे लग रही है प्यास, मैं जा रहा हूँ अंदर, तुम सारे यहीं खड़े रहना, हिलना मत, ठीक है? कहाँ रह गए चंडाल? भन्ना मार कर तो आ गया पर ये पता ना कहाँ है आप लोग। अगर तेरी आवाज सुनकर पुलिस अंदर आई ना तो तेरे प्राण तेरे शरीर से बाहर काट दूंगा। गोली नहीं, गोली नहीं, गोली नहीं। तेरे लिए पैसे अगले कमरे के लॉकर में संभाल के तेरे रखे। ले लो, लेके जा। क्या देख रहा है, बारात में आएगा तू? अरे मुंह खट्टा की ताल लिया था ना, ओ कालू, ओ कालू। अभी तक पिताजी, पिताजी पुलिस पुलिस पुलिस। दरोगा अगर एक कदम भी आगे बढ़ाना गोली मार दूंगा। क्या कर रही हो यार, जल्दी से लूट कर निकलो यहाँ से। अगर मुझे तुम्हें पकड़ने होता तो अपनी पिस्टल में साधन लेकर आता, जाकर एक दल पर रखी है। सर मुझे बाथरूम आ रहा है और मुझे डर भी बहुत लगता है, आप मेरे साथ चलोगे? हाँ क्यों नहीं, आ जा, तो टॉर्च भी है जी।
तू कहाँ चला भाई? मैं भी जरा शिकार के वक्त जा। ले पकड़, अगर कुछ भी हरकत करी ना गोली मार दी। इधर होगा, एक कदम भी आगे बढ़ाना। ओ लाला, तना हमें पकड़ने का पुलिस बुला रखी। बस चंडाल चौकड़ी, आज तुम्हारा खेल खत्म। खुद को पुलिस के हवाले कर दो। चंदन तू पागल हो गया क्या? चंडाल गैंग है, बहुत ही खतरनाक गैंग है। अगर इन्होंने बंदूक लाला के सिर पर लगा दी तो? हवलदार, दरोगा ठीक कह रहा है, अपनी बंदूक नीचे रख दे और हमें जाने दे। हनुमान जी, दरोगा बंदूक नीचे कर ले, नीचे कर ले, मेरी जान जाने दे। मटिया जो मटिया, ये सामान चला जा। चंदन बंदूक नीचे कर दे वरना लाला को मार देंगे। लाला हमारे साथ गद्दारी, पुलिस बुलाई करना। लाला जी खड़े हो, तुम चिंता ना करो, हम उन्हें भी पकड़ लेंगे। चंदन चल मेरी गेल, तुम लाला जी तुम घर लौटो। लाला जी आओ आओ भाई, चंदन आ। सर, एसओ साहब का फोन है, आपसे बात करने को बोल रहे हैं। अरे एसओ साहब का फोन तो तेरे फोन पे है ना, तो तू बात कर। अरे सर आप फोन नहीं उठा रहे। सर बात करो। तू कर ना। सर करो। हेलो एसओ। जितेंद्र, व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या मैंने इसी देर में चौकी पर भेजा? वो सर एक्सो फोलेस लाइफ लाइन फोन। देखो आगे से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए, समझे? जी सर, जी सर। हाँ भाई जी। यूएसओ किसे कह रही है? फूल देने को? सर फूल देने को नहीं कह रहे, वो आपको मूर्ख बता रहे थे। आपकी शिकायत करी होगी चंदन ने। अच्छा तो अपना काम कर, मैं से देखता हूँ। ठीक। अबे चंदन उड़क हुआ। जी सर। ए भाई तू बहुत फोन कर रहा है आज, क्या कह रहा मेरे बारे में? सर मैंने तो वही बोला जो सच है, कल आपने चंडालों को पकड़ने की ढंग से कोशिश नहीं की। ढंग से कोशिश ना की? मैं ढंग से कोशिश करता तो तेरे देखा ना, उनके हाथ में हथियार भी थे, वे लाला को वहीं ढेर कर देते। वो तो अच्छा हुआ मैंने कुछ ना किया। जा तड़का वाली चाय लेगा जल्दी से जा। जी सर। पागल बना रहा मेरा यहाँ पे। साहब जी बहुत जोर का नाच रही है। मैं चुप कर आराम से, चार मार चाय भाई पिएगा यहाँ पे। वो कैसे मेरा तो सब कुछ लूट के ले गए, कुछ नहीं समझा। लाला जी परेशान होने की जरूरत ना है, तुम लो चाय पियो। तुम इतनी देर ला मन ना करते। चाय कुकर पी लो, मेरा तो सस्ता नाश कर गए जाली मारे, मार दिया मैं तो, जीता ही मार दिया। चाय कुकर पी लो। लो लो पियो, लो लो चाय लो। लाला जी मैंने तो पहले ही कहा था थारे से, इन्हीं चंडालों से मत उड़ जो तुम, तुमने नहीं मानी मेरी बात। कितने चालू हैं ये चंडाल,
इस लाला को लूट के इसी के साथ चाय पी रहे हैं, और एक मैं हूँ दरोगा होकर इनके कपड़े धो रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ। मुझे कुछ तो करना चाहिए जो मेरा शरीर मुझे वापस मिल जाए, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। हाँ याद आया, मुझे उस तांत्रिक के अड्डे के पास जाना चाहिए जहाँ हमारी आत्माएं बदली हुई थी, वहीं पर मुझे कुछ सुराग मिल सकता है। ओ डोंगी बाबा, यहाँ से खड़ा हो, मुझे जात पड़ताल करनी है इस जगह की। बड़ा अजीब मामला है, बड़ा अजीब मामला है, शरीर चोर का और आत्मा दरोगा की। बाबा बाबा मुझे माफ कर दो, आपको तो सब कुछ पता है बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी आत्मा मेरे शरीर में ला दो, मुझे अपनी माँ बाप पत्नी से मिलना है, और ऐसे में मिल भी नहीं सकता क्योंकि वो भरोसा नहीं करेंगे, मुझे पता होता तो मैं उस दिन बिल्कुल यहाँ नहीं आता। निरंजन बेटा, ये ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये मायावी जगह है, और सुनो तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, तुम आए नहीं हो, बुलाया गया है तुम्हें। अलाक निरंजन, तुम लोग बड़ी आसानी से किसी मजबूर इंसान की हालात का मजाक बना लेते हो, और कहते हो कि इसकी जगह मैं होता तो ये काम मैं बिल्कुल नहीं करता, गांव करते हो तुम डॉग। आप तुम लोग ये भूल जाते हो कि किसी भी इंसान के हाथ से किया हुआ काम परवरिश और उसकी मजबूरी उसके हालात की वजह बन जाती है। अलाक निरंजन। बाबा मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, मेरी आत्मा मेरे शरीर में भेज दो। अलाक निरंजन, इसमें भी समय लगेगा। अलाक निरंजन, हर हर महादेव। बाबा कब कब आएंगे, कब? अभी नहीं, जब तुम दोनों एक दूसरे के मजबूरी हालात समझ जाओगे, वो खुद पर खुद चली आएंगी, जब तक तुम इस चोर के शरीर को अपने हिसाब से जियो। अलाक निरंजन। बाबा मुझे अपना आशीर्वाद। अलाक निरंजन, ओड़े नाथ कर दे मदद। अबे जुआ पुआ भी खेल लेता नहीं? जी साहब खेल लेता हूँ। अच्छा एक बात हो रही, अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुम दोनों को फ्री में छोड़ दूंगा। अरे तो साहब खेलना पड़ेगा ना फिर तो बाटू पत्ते बाटो। साहब मैंने दरोगा बहुत देखे, पर आप जैसा दरोगा ना देखा जो चौकी में बैठा गया मैं ताश खिला रहा। हाँ हाँ साहब, आप तो बहुत बढ़िया इंसान हो। इंसान तो बहुत अच्छा हूँ, ऐसी बात नहीं है। पहली चाल 5,000 रुपये। तो 5,000 की मेरी चाल। लो जी लो, 5,000 की मेरी। 5,000 की मेरी, इसमें से ही बढ़ा लो चाल। 5,000 की मेरी दूसरी चाल। लो जी लो, 5,000 की मेरी दूसरी चाल। अरे तरुण, अरे जरा इनके को सुनिए। जी साहब। अपना हाथ दिखाइए। पाँच हजार रुपये की तीसरी चाल। पर साहब ये तो 25,000 रुपये की है। मैं चाल में 5,000 रुपये लगा रहा हूँ, चुप बैठ रे। मामा जी तो साहब ये मेरी चाल, पत्ते दिखाओ। ये देखो, तरुण जी साहब तो साले सच में बड़े बदतमीज है, इन्हें बंद कर, इनके 4-4 लगा मार। ठीक है साहब। खड़े हो सर। अरे बदतमीज, जुआ खेलते हुए जुआ मेरे साथ में है, बंद करो ने बदतमीजों को, और 4-4 लग ऊपर से बाहर निकल साले बदतमीज। साहब आपने तो ये कहा था हम जीत जाएंगे तो आप हमें छोड़ दोगे, ये तो आप गद्दारी करो हमारे साथ। चुप, बकवासबाजी कर रही है।
साले कानून के साथ जुआ खेल रहा। तरुण सालू गर्म पानी पिलाया अंदर डाल के साला बकवास कर रहा मेरे सामने, जुआ खेलता पुलिस के साथ में। बहुत गलत कर रहे हो साहब आप हमारे साथ। बकवास कर रहा है, पकड़ जा खोके वाले के दिए। और सुन, एक सिगरेट की डिब्बी लाइए और चाय बेहतरीन वाली। जी साहब। और आगे 4 लाख और मान में सालों में, सारे बदतमीज कहीं के बड़े बदतमीज लोग हैं भाई। कानून की कोई इज्जत ही नहीं है, जुआ खेल रही है कानून के साथ में। जी तू दारू पियाया दिखे, ये दिन रह रहा था देखने के लिए, ये भी देख लिया आज। पता ना किसकी नजर लगी है, ये तो बेचारा दारू तो दारू ही तो, गुटके बीड़ी सिगरेट काहे के भी धोरे ना। हां दारू ना आया, ये दवाई है तमन होता। और क्या करे, ये नौकरी ऐसी नौकरी, नौकरी तो मैं 40 साल कर आया, मैंने तो कभी हाथ नहीं लगाया आज का। बेटी से अंदर ले जा, ठाक है। पता ना आज कैसे पी आया, देखो गाड़ी की लाइट खुली पड़ी है, उसे बंद कर आओ जाओ। मुक्कू एक बात बता, अगर उस रात दरोगा और हवलदार को यूं बात पता चल जाती कि बंदूक में गोली ना, तो फिर क्या करते हैं? अरे बावड़े, 10 तो बिठाने का तरह गोली जरूरत ना पड़ती, उसके लिए चाहिए जिगर। देखा ना तना उस रात, अगर थोड़ी देर और मैं लाला की कनपटी से गन्ना हटाता तो पजामे में मुंह देता हूँ। और जब राजू ने, राजू यू राजू कहाँ? अरे राजू, अरे कहाँ तू लुकाई, उधर भीतर पड़ा रहा। ये बात है, अरे हमारी से भी दो बात कर लेकर तेरी खातर इंग्लिश मंगाई आज। मेरा पिता शराब। शराब? तू तो दवाई बतावे था। अरे जब पीवे आप पीवे, अब ना पीता मैं। अरे कैसे ना ले रहा, क्यों नाराज हो रहा है तू, हम देखा कैसे ना पीने का तू। पकड़ी से भाई प्या से ले। ओए ठीक ना होने का। अरे कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ले गिर। ठीक ना होने का, कैसे ना होने का, हम करेंगे ठीक। मुकु पिया पी। अरे क्या कर दिया यार। अरे इतनी कड़वी थोड़ा ही दिया तो। या तो बिल्कुल अंग्रेजी शराब है यार, देसी थोड़ा ही है, तने देसी पी के उल्टी कर दी, या तो अंग्रेजी थी। अरे दवाइयो दवाइयो। अंजू हम राउंड पे जा रहे हैं, चौकी का ध्यान रखना। चलो भाई।
तुमसे कल से कह रही हूँ गाड़ी में पिंचर लगवा लो, अब गांव में पैदल घूमूंगा, अच्छा लगूंगा मैं। साहब जी कल मैं गया था, उसकी दुकान बंद थी, आज शाम तक पिंचर लगा हुआ मिलेगा। आगे की बता रही है, आज शाम तक लगवा दियो। चलो गाड़ी से सोन का सोन कर दिया कमाई के टाइम। सर कल कई दुकानों पर गया, तीन दुकान की तीनों बंद है, बस आगे की ओर बता रही है, आज शाम तक लगवा दिए। ठीक सर, साहब गुस्सा मत ना करो, कोई ना कोई बकरा मिलेगा जरूर। साहब वो आ रहा है बकरा। चलो सर देखते हैं। मुझे लग रहा लाला का ड्राइवर दिखे है। हाँ साहब जी है तो वही, तो ये तो कुछ ना कुछ दे के जाएगा। हाँ जी बहुत मोटी आसामी है, हाथ भी खुजा रहा है। आज आज दहाड़ी से बन जाओगी बढ़िया सी। लाला जी भी ना, तो अकेला ही है। ओए यक्कू सुन। जी सर जल्दी बताओ, देर हो रही है। अच्छा घनी जल्दी हो रही है। साहब लाला जी को बाहर जाना आज। लाला तो जहाँ जा रहा है जाने दे, पर तू हवालात में जाने की तैयारी कर ले। हवालात में मैंने क्या किया साहब? साले जिस थाली में खा रिया उसमें छेद कर रिया, चंडालों के साथ मिलकर लाला घर की मुखबरी कर चोरी करवा रिया तू। चोरी? सब चोरी वाले दिन तो मैं गांव में नहीं था। साले ऐसा कहकर तू लाला की आंखों में धूल झोंक सके, हमारी नहीं, पकड़ साले को। साले चोर, चल थाने। साहब जी, साहब जी रुक जा, देख अगर तू जेल जाने से बचना चाह रिया तो जेब ढीली करनी पड़ेगी, निकाल जो सामान है। साहब जी ये 2000 रुपये। हाथ चेक कर। हाँ निकाल इसे। सर ये तो बिहार में मिली मेरे। चुप, साले आगे की बता रहा मैं, पकड़ो साले को इसे। ना साहब रखो रखो। सुन अब कुछ दिन तक ना दिखाई ना दे दीजिए, समझ रहे? ठीक है जी, चल निकल ले। सुन इधर को निकल। साहब वो एसओ साहब का फोन आ रहा, तुम्हें थाने में बुला रहे। अरे मेरी बात सुन, जब शिकार पे निकले हैं तो कुछ ना कुछ खा के चलेंगे, आओ। अरे ये तो वही तांत्रिक दीख है जो गांव की औरतें ना छेड़े। हाँ साहब वही है। अच्छा वही है, तो चल साले गल मजे लेते हैं। चलो अबे पाखंडी, ओ पाखंडी रह खड़ा हो। साहब जी उन्हें दे रहा कोई जवाब? भगवान का कहना ही ध्यान कर रहा है तो। ओ पाखंडी अलग निरंजन, तेरा युद्ध साथ कि तेरे बाबा नाम चिन्ह की तपस्या बंदी, तुझे इसका कामयाब भुगतना पड़ेगा। अलग निरंजन चुप रे पाखंडी, काम की औरतों को छेड़ता फिर रहा, काम वालों रिपोर्ट करी तेरी। चल हवाला जब बनाऊंगा मैं नामचीन, उठ ले चल, उठ ले यहाँ से। तुम गुनेगार, गुना रोकने निकले हैं, अलग निरंजन। सर जी ये तो गुनेगार बता रहा तुम्हें। साले पाखंडी गुनेगार बता रहा मुझे? साले मर्डर के केस में आजीवन जेल में सड़ा दूंगा। बात सुन, जो गांव वालों को पागल बनाकर पैसे इकट्ठा कर रखा ना तेने, निकाल। अलग निरंजन शरीर बदल गया लेकिन नीयत नहीं बदली। अत्तरे की भैंस की पूंछ, इसे तो सब पता है। जब तू इतना गिड़गिड़ा रिया तो जा, माफ किया मैंने। चलो भाई थाने में को लेट हो रहे हैं। साहब आप तो डर गए इससे? मैं पाखंडी से डर रहा हूँ? क्या कह रिया? मैं तो तुम्हारे डर रहा हूँ अभी मेरे हाथ से एक थप्पड़ लग जाए और ये मर जाए। थप्पड़? थप्पड़ तुझे आने वाला समय मारेगा, तू अपने आप से भी नजर नहीं मिला पाएगा। अलग निरंजन कहाँ इसकी बातों पर ध्यान दे रही हो, ये तो पागल है। तुम चलो एसओ साहब बाढ़ देख रहे होंगे। चलो अबे जाता कहाँ है, बहुत जल्द तुझे तेरी करने का फल मिलने वाला है। अलग निरंजन बोले लोग अपमान, घोर अपमान, अघोरी का अपमान, बोले लोग सजा मिलेगी, मिलेगी। सब्जी सब्जी। हाँ झाड़ी का इंतजाम हो रहा, करो जुगाड़। हाँ तो करो ना।
हाथ में खुजासी मार रही है आपको। साहब जी यो है वो आदमी 50,000 का इंतजाम तो 15 मिनट में कर लेगा। अरे चंदन तो ना यहाँ पे? ना साहब, वो आज एसओ साहब के साथ बाहर गया। यू ठीक रिया। हाँ। ए भाई तू 15 मिनट में करा देगा इंतजाम? बिल्कुल साहब, अगर आप मुझे रिहा कर दो तो 15 मिनट में इंतजाम कर दूंगा। मंगलू फोन दे इसे। ले जल्दी मिला। हेलो, अरे सौरभ बोल रहा हूँ। हाँ चौकी में यार, मैं कह रहा 50,000 रुपये का इंतजाम करके जल्दी चौकी में आ जा। हाँ आ लाइए थोड़ा जल्दी। ठीक और आ जी बस 15 मिनट में। जल्दी बुला ले। बैठ जा तो इतना। हाँ जान ना देना इतना। बैठ जा। कहाँ रहेगा? आया नहीं कोई अब तक? जी बस जल्दी इंतजाम करके आवेगा। जल्दी बुला भाई, मूड चैन होने में टाइम नहीं लगता। वैसे आया किस केस में है तू? अरे कुछ ना साहब, मैं और मेरा भाई गांव में मोटर चोरी कर रहे हैं। 2 दिन पहले मोटर चोरी करता पकड़ा गया। अच्छा, खैर मोटर चोरी में पैसा बहुत है। अरे कुछ ना, बस खर्चा पानी चल जाओ। अच्छा लो जी आ गया। पूरा है ना? ठीक है तो जा। अच्छा साहब, कुछ काम वाम हो तो बता दियो। हाँ हाँ बिल्कुल बताएं। जा। लहाड़ सा काट लिया? थोड़े से बढ़ा देते हैं। अरे मौज करो मेरे बच्चों, मौज करो। जाओ कुछ काम देखो, कोई और नया मुर्गा फंसता तो ले जाओ। जाओ के साहब। गया ना अभी? अरे माँ पिताजी के पांव में बेचैनी सी लग रही थी, थोड़ी देर में का पांव दाब दूं। चल अब तो तेरे पिताजी की आंख सी भी लग गई। सो ले तू बेटा, सुबह को ड्यूटी भी जाओगा। चल नु बता, मीना तेरे सांझ की दवाई दे दी ना दी? अरे बेटा मुझे सांझ की भी दे दी और मुझे रात की भी दे दी। तू खड़ा हो यहां से, तू भी सो ले जाकर, मुझे भी सो जान दे। चल उठ। चल ठीक। हाँ जी सो गए क्या? मीना, मीना अजी सो गए क्या? ठीक है मैं भी सो जाती हूँ। यू देवदास किसके ख्यालों में डूबा हुआ है? राजू, ओ राजू। हाँ अबे किसके ख्यालों में खोया हुआ है? अरे मैं कुछ सोच रहा था। हाँ क्या सोच रहा था? अरे हमने उस लाला से तो बदला ले लिया, पर हमने उस दरोगा का तो कुछ भी ना करा। वो तो अपना आपको तुर्रम खां समझ रहा होगा। बात तो ठीक कह रहा है मुक्को। अरे मैं नू कह रहा हूँ कि आज हम दरोगा के यहाँ डाका डाले। हाँ ये बात तो ठीक कह रहा है मुक्को, आज रात को चले थे। ठीक है फिर आज रात ना दरोगा के घर ही चलते। चलो इसी बहाने अपने माँ बाप और मीना को देख लूंगा, पता नहीं किस हाल में होंगे बेचारे।
कमरे में है पैसे? अरे ना उस कमरे में ना, वो तो माता पिताजी का कमरा। अरे मैं यूं कह रहा हूँ, वो तो माता पिताजी का कमरा, उसमें कहाँ पैसे होंगे? पैसे मेरे ख्याल से इस कमरे में होंगे। अरे लूटना तो सारा घर ही है, चलो पहले से लूट लेते हैं। आ जाओ। करा मेरे हाथ से ग्लास गिर गई और मैं तो जान बचा के आया हूं, ना तो मैं तो पकड़ लिया, ना तो मैंने सारा माल समेट लिया। अरे खड़े कैसे हो गए तुम लोग? ये दरोगा फिर आ जाएगा पीछे से। चलो भागो। ये राजू का न्यू काम बिगाड़े। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे कल तो पता ही ना कैसे। अरे उस टाइम बहुत प्रधान का छोरा शहर से गांव जाते इसी रास्ते से गुजरेगा, साले को ही लूट लेंगे। गाड़ी वाली, गाड़ी वाली। चल चल लेट 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 ले। पेट में दे दूंगा तेरे। चल चल चलो बैठो गाड़ी में। राधा खड़ा उतर। अब गाना देखिए। करता हूं। अरे मेरा तो फोन भी गाड़ी में रह गया, अब क्या करूं?
राजू एक काम करो, मैं अरे यो कालू तो उतर जाएंगे यही, क्योंकि चारों का बाहर रहना ठीक नहीं है, गाँव में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तू और सीखा चले जाओ और गाड़ी बेच कर आ जाइए। कहाँ? अरे तू तो हर बार बेचता है यार, तुझे पता नहीं दिल्ली बिकती है गाड़ी। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, हम दिल्ली चले जाएंगे, मैं अर्ची का कल तक बेच के आ जाएंगे। हाँ और ध्यान से, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कवे था बिचोला छोरा भी ये पासे, कवे था बिचोला छोरा भी ये पासे, ससु तेरा लाडला अंगूठा छापे। यहाँ तो साला पूरा मजा आ रहा है, यहाँ कहने सुनने वाला कोई नहीं है, और वहां वो मुकेश अपनी चलावे है, यू बढ़िया हो गया, यहाँ मुझे ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है। सर एसओ साहब का फोन है, आपसे बात करने को बोल रहे हैं। एसओ क्या कह रहा है से? पता ना इंग्लिश में क्या क्या कहेगा। एक काम कर, ये कह दे दरोगा जी तो बाहर गए हुए, और जब आ जाएंगे जब बात करा दूंगा। क्या कह रहे? हेलो, हाँ सर, सर दरोगा जी तो बाहर गए हैं, जब वो आएंगे मैं आपकी बात करा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है। प्रधान के छोरे की गाड़ी चोरी हो गई, हमें उसे ढूंढने जाना है। ए भाई, तेरे पास एसओ का नंबर ब्लॉक ना होता, वो वहां बैठ के नरी नरी बात बता रहा हमें। क्या हुआ सर? ना होता क्या, प्रधान के लड़के की गाड़ी चोरी हो गई, क्यों रखती है गाड़ी, जमीन पर गाड़ी संभाल नहीं जाती। अब क्या करना है सर? चल रहे हैं गाड़ी ढूंढेंगे, वरना तो एसओ का बच्चा इंग्लिश में बात कर कर दिमाग की दही कर देगा। चलो गाड़ी निकालो। नई गाड़ी निकालो। क्या हो गया अभी, ये गाड़ी इधर क्यों रोक ली? देखिए कितना सूखा पड़ रहा है, इसे पानी की जरूरत है। मतलब यू, तू दो मिनट है बैठ, पेशाब करके आऊं। एसओ साहब, वो जो प्रधान के लड़के की गाड़ी चोरी हुई है ना, वो होशियारपुर से 5 किलोमीटर दूर पर खड़ी मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड इन्फॉर्मेशन। इतनी देर होली, पता नहीं कहाँ चला गया, वहीं चल के देखती हूँ। ठीक है साहब। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। ओके। हो गया के? चले अब? हाँ हो गया, आजा बैठ तो सही, देखिए कितने अच्छे खेत हैं, कितना जी लग रहा है। हाँ थोड़ी बहुत देर बैठ जाते हैं ना। हाँ तो यहाँ से गाड़ी छीनी उन्होंने तेरे से? हाँ साहब, यहीं से छीनी। वैसे तू कर क्या रहा था यहाँ पे? साहब मैं शहर से गांव आ रहा था, मैंने सोचा अपने फार्म पे होकर चलूँ, उन्होंने मुझे यहीं घेर लिया। अच्छा, गए किधर को है? साहब वो शहर की तरफ गए हैं। तुम्हें कैसे पता वो शहर की तरफ गई है? सर मैंने अपनी आंखों से देखा उन्हें जाते हुए। मैं कई बार आंखों देखी बात भी सच्ची ना होती है, मेरे इतने साल का चोरी का तजुर्बा कह रहा, मेरा मतलब चोर पकड़ने का तजुर्बा कह रहा है कि वे गांव के आसपास ही होंगे, क्यों मांग लो। बिल्कुल साहब जी। सर आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। सर एसओ साहब का फोन आया है, गाड़ी तो होशियारपुर से 5 किलोमीटर आगे खड़ी है, आपका अंदाज तो गलत था। ओए साहब से कैसे बात कर रहा, तुझे तमीज नहीं है? रहने मांग लो, इसे बाद में देखेंगे। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल बैठा, अब एक कौवा बाकी हंसों की गैल मिलके और कौवे पकड़ेगा। अलग रंजन, क्या हुआ कंस कर रहा, जावे ना जावे यहाँ से, कहीं पागल चक्कर में लग रहे, आओ गाड़ी ढूंढेंगे पहले, आओ। अलग रंजन, एक दिन पछताओगा बच्चा। अलग रंजन कौवे, तुझे बहुत जल्दी अपनी गलती का पछतावा होगा। घोड़े बुद्धि हरी गई है इसकी, इसे बुद्धि दे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आजा भोले, आजा, आजा तिरंजन, हाँ, ओम फट, अलट पलट, सब पलट पलट हो रहा है भोले, अलट पलट, सब भोले, जय भोले की, ओके।